अजीतगढ़ पुलिस ने आज शातिर दुपहिया वाहन चोर को गिरफ्तार कर चुराई गई बाइक बरामद की। अजीतगढ़ थाना प्रभारी सवाई सिंह ने बताया कि वाहन चोर ग्राम मारखी थाना अमरसर निवासी जय नारायण यादव है, जिसे मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने दो बाइक अजीतगढ़ और दो बाइक अमरसर कोटपुतली क्षेत्र से चुराना स्वीकार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है। रिंगस में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 3 पर बीच दीदार ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर जीआरपी चौकी प्रभारी प्रहलाद सहाय स्वामी ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को शिनाख्त के लिए रिंगस सीएससी की मोर्चरी में रखवाया, जहां आज सुबह उसकी पहचान लाखनी निवासी संतोष कुमार के रूप में हुई। शव का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। गौरतलब है कि रिंगस रेलवे स्टेशन आदर्श रेलवे स्टेशन होते हुए भी फुट ओवर ब्रिज और अंडर पास की कमी की वजह से रेल दुर्घटनाओं का सबब बन गया है। लुटी स्टेशन मास्टर ने मेरे को सूचना दी कि एक अज्ञात व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आने से मर गया है। जो आप मौके पर पहुंचे, मैं मौके पर आया, जिसको उठाकर मोर्चरी में ला के रखा शिनाख्ती है, तो जिसकी शिनाख्त हो गई है। इसका नाम है संतोष कुमार सनोप रामकुमार जाटीदार, उम्र 35 साल, आदमी पीएस रिंगस जिला सीकर का है। डेड बॉडी का बाद पोस्टमार्टम और बाद पंचायतनामा कार्रवाई की सुपुर्द करते हैं। जिला खेल स्टेडियम में चल रही सेना भर्ती में अलवर से पहुंचे सिपाही नरेश कुमार की कार की टक्कर से मौत हो गई। रात को होटल पर खाना खाने जाते समय सिपाही को कार ने टक्कर मार दी थी। परिजनों के पहुंचने पर आज शव का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चंदपुरा चौराहे पर नरेश कुमार कॉन्स्टेबल जो 2018 के बैच का आरटी था, उनकी ड्यूटी वहाँ पर लगी हुई थी और वो ड्यूटी के दौरान ऑन ड्यूटी पर ही जैसे ही वहाँ वो गश्त करता हुआ निकल के जा रहा था, इसी वक्त पता नहीं पीछे से तेज़ गति से एक जाइलो गाड़ी आई और जो उसके नंबर तो उस वक्त देख नहीं पाए और बहुत तेज़ गति से लापरवाही से आई और उसके पीछे से टक्कर मार दी। उसको वहाँ पर जो रिसोर्ट पे जो होटल वाले थे, हमारे कॉन्स्टेबल थे, उन्होंने उठाकर उनको हॉस्पिटल नरेश कुमार को पहुँचाया। इसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई।